गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया साहब, आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को? वो कह रहे हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, देश को नंबर वन बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं, हम पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी बन के जनता को परेशान करते हैं तो सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। और आप याद करिए, जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल का कहना था ये कट्टर ईमानदार है। आज अरविंद केजरीवाल का जिनको सर्टिफिकेट मिला था कट्टर ईमानदारी का, वो जेल की सलाखों के पीछे है, 2.5 महीने हो गए, उनकी बेल नहीं हुई है और अब बताते हैं उनकी याददाश्त भी चली गई है। ऐसे ही मनीष सिसोदिया, अगर भ्रष्टाचार आपने किया है तो सीबीआई अपना कार्य करेगी और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। लेकिन वो पहले से कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश होगी, उनके यहां भी छापा पड़ेगा, उनको भी जेल में डाला जाएगा। केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पहले ही चेता दिया था कि ऐसा कुछ षड्यंत्र चल रहा है और आज तो सीबीआई की सच में रेड हो गई। क्या ये माना जाए कि पहले से ही वो जो अनुमान जता रहे थे कि उनकी आवाज को, उनके काम को रोकने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा, वो सच साबित हो गया? देखिए, पहली बात तो ये आजकल एक चलन बन गया है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जांच एजेंसियों का अगर दुरुपयोग होता तो एक आदेश न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का कोई दिखा दे जहां पे जांच को रद्द किया हो, ऐसा एक भी आदेश नहीं है। दूसरी बात, पहले ही कह दिया था आपने, कहा आप मुझे बताइए, जब इनकी आबकारी नीति में घोटाला निकला, भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स है, अगर कहीं नियमों का उल्लंघन है तो जांच होने दीजिए, जांच में सहयोग की बात तो वो कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है कि हर अलग अलग विभाग के मामले लाकर चौतरफा घेराव की कोशिश है। वो तो जांच में कॉपरेट करने को तैयार है और जांच होने तो दीजिए पहले। मैम, कानून की जानकारी थोड़ी आपको दे दूं, जो रेड होती है वो भी कागज साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए ही होती है और यही जांच का हिस्सा होती है। तो अगर आप कह रही हैं कि जांच होने दो, तो जब सीबीआई अपना काम कर रही है तो क्यों ये लोग परेशान हो रहे हैं? गौरव जी, मेरा एक और सवाल है। मनीष सिसोदिया ने बार बार ये कहा है कि इससे पहले भी मेरे ऊपर कई केस दर्ज हो चुके हैं, उसमें कुछ भी नहीं निकला। एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची है, ठीक है, वो अपना जांच कर ले, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। दरअसल मैं तो दिल्ली में बेहतर शिक्षा व्यवस्था दे रहा हूं, इसलिए बीजेपी को यह पसंद नहीं आ रहा है, साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ। देखिए, हम भी यही है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी यही है। अभी कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि जब सत्य सामने आएगा तो ये लोग मुंह छिपाते फिरेंगे। और इनफैक्ट वो तो गौरव, वो तो इस बात का हवाला देते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए, वर्ल्ड पावर, न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है किस तरीके से दिल्ली में शिक्षा मॉडल को लेकर इतना बेहतरीन काम हुआ है और यही आपको नहीं हजम हो रहा है, यही वजह है। वो ये भी कह रहे हैं कि 75 साल में जिसने भी अच्छा काम करने की कोशिश की है उसे रोकना आपका मकसद है। मैं आपकी बात समझ गया। मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को न्यूयॉर्क जाके वहाँ का मेयर बनना चाहिए, उनका विश्वास यहाँ की जनता, यहाँ की न्याय प्रणाली, यहाँ की जांच एजेंसियों में नहीं है, तो न्यूयॉर्क जाके वो अपना राजनीति आगे बढ़ाए। धन्यवाद। गौरव भाटिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए बताते हुए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर मनीष सिसोदिया एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे संवाददाता सुमंत लगातार तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अब मनीष सिसोदिया के घर पर लगातार टीम्स मौजूद हैं, एक्साइज विभाग के अधिकारियों के यहाँ भी छापेमारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हालांकि नियमों की अनदेखी और शराब दुकानों के टेंडर में अगर गड़बड़ी के आरोप हैं तो उस पूरे मामले पर कॉपरेट करने के लिए मनीष सिसोदिया तैयार है।